की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमले करने का आरोप लगाया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा, यूक्रेन ने मॉस्को में 5 ड्रोन से अटैक किया, हमने इन सभी को मार गिराया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से राजधानी के मुख्य एयरपोर्ट से कुछ घंटों के लिए फ्लाइट्स डायवर्ट कर दी गई हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी का मंगलवार सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 79 साल के थे। उमान चांडी पिछले लंबे समय से बीमार थे। उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। उनके बेटे ने फेसबुक पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्पा नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकवादी विदेशी हैं। सोमवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह तक चली। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप 10:07 पर आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। अभी तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 50 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 62 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69,14,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.99 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। इंडिया ए ने एमजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। टीम ने नेपाल को 9 विकेट से हराया। यह टीम इंडिया ए की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के बाद भारतीय टीम पॉइंट टेबल के टॉप पर आ गई है। दिल्ली में मंगलवार को यमुना नदी का जलस्तर घटता नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे 205.71 मीटर पर वाटर लेवल रिकॉर्ड किया गया। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से अभी भी रिलीफ कैंप में रहने को कहा है, क्योंकि जलस्तर में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर तो डीजल 89.62 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बना हुआ है। शेयर बाजार ने आज यानी मंगलवार को नया ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 66,985 और निफ्टी ने 19,811 का स्तर छुआ। इससे पहले सेंसेक्स 239 अंक बढ़कर 66,589 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 76 अंकों की तेजी रही।